2015. Now up to this position 37, mathematics thinks that every number is positive, every person is positive. So far 37 are the plus, their sign is plus, and 15. 37 plus 15, how many 52. Numbers? 52. Good. 52 minus 12. भाई 17 ही 15 माने मेट करना थी मैथमेटिक्स की सोच यह है जेके मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन हो जाए या मैथमेटिक्स पढ़ाएं था तो ऐसा किया से समझाया गया था ऑल दी ह्यूमन बीइंग्स ऑल दी नंबर्स आर दी पॉजिटिव नो एनी नेगेटिव चार्ज अपॉन एनीवन बट दी साइंस थिंक्स दैट ऑल दी एलिमेंट्स ऑल दी पर्संस आर दी न्यूट्रल सब जामन न्यूट्रल होना तो मुझे चार करो जेके 37 है ने जसा कुछ भी साइन ना है का साइन ना है तो ये चाहे प्लस ही रखो ठीक है 37 प्लस जा प्लस 15 प्लस जा ये पण 8 जा द रिजल्ट वेरी 52 52 मा 12 असा माइनस करना थी तो चार मिलो जवाब असा के 40 दिस इज योर आंसर ठीक है नाउ मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट प्रॉब्लम This is so much clear. First of all, we have to write solution 169 divided by 30. First of all, we have to divide these kinds of the number. You are well known because of the Gamow's rule. 169 divided by 30. It means 169 is the square root of 13. So far, this is belongs to 13. नहीं इधर चाहती थी बाबा नहीं इधर तेरा थी ठीक है plus 4 माइनस 15, ओके नाउ अगेन सेम पोजीशन इज एग्जिस्ट हियर 13 आर द नंबर्स आर द प्लस एंड 4 आल्सो प्लस 13 प्लस 4 17 माइनस 15 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2 दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम दिस सम डेटा आई गिव यू नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम नंबर 3 Again we write first of all solution asan pehla pehla solution likhna di sabse pehle hum iska solution likhenge solution mein hum kya sabse pehle dekhenge ki hamare paas number kaun se hain aur unke upar kaun sa bada lagaya jaye sabka pehla asan ye question aadi ki keda number hai hum de kedo kodo lagdo 84 a 84 divided by 7 is equal to 12 for solution of these problems you have well known from the tables You must have memorized tables of 220. ताकि भी अंदर टेबल में घट में घट याद होना चाहिए। जिकर तामे था मेरे से अच्छों रखो था। If you are interested to know the task of mathematics, you have to remember, you have to memorize up to tables 20. इन्हें तो टेबल लगा दी चाहिए कुटा। बारे की टेबल, ठीक है? बारे की टेबल लगा दी पढ़ी थी ऐसा कितना अच्छा सेवन। माना सत्ता जी टेबल बार चौरा से देखना जगह तो ये लोग मतलब हाँ टेबल पर नहीं पहुंची ठीक है एक बार बारो दो बार चौबीस तीन बार छत्तीस चार बार अठारह पंच बार सत्तीस चार बार दस सत्तर बार चौरा से लगती है मुताबिक सत्तर नान माना बारह टेबल टेबल बनी समझ में आएगा मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 13 माइनस 24 सो फार नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या ही रिजल्ट बारह ने जो ना मल्टीप्लाई करना सी रिजल्ट चाहेंगी 168 168 रिजल्ट मिले था के प्लस 13 माइनस 24 नाउ वी आर गोइंग टू प्लस वी आर गोइंग टू ऐड वी आर गोइंग टू समराइज दीस टू फिगर्स 168 प्लस 13 व्हाट इज द रिजल्ट 168 प्लस 13 मिस्टर दीदार तेरी और कितने होंगे 1 जी 181 वेल एंड माइनस 24 व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट 181 में से हम माइनस करेंगे क्या 24 तो रिजल्ट क्या मिलेगा 179 गुड दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस सम वेरी मच क्लियर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम नंबर 4 दैट आई गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व राइट द सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स The position of the deviant, because we have to first of all this solution regarding the deviant. सबसे पहले हम किस चीज को छुड़ाएंगे? सबका पहले हम चार छुड़ाएंगे।
असा 196 डिवाइड बाय 14 माइनस 4 दीज आर टर्म्स रिटन इन सेम कंडीशन 169 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस 97 माइनस 4 प्लस 196 के ऊपर 14 का भाड़ा कितनी मरतबा 169 यू आर वेल नोन बेटा दैट 196 इज द स्क्वायर ऑफ 14 एम आई राइट 194 का स्क्वायर ऑफ 14 जो स्क्वायर है ना एड़े तरीके से हमें जवाब चाहिए 14 मल्टीप्लाई बाय 23 एम आई राइट सो फार अगेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस 97 माइनस 4 प्लस नहीं इधर चल नहीं What is the result of this sum? 14 multiplied by 23. 14 multiplied by 23. 3 to 6. 3? 2 to 6. 2 to 6. Good. 326. Now, we are going to first of all summarize these. 97 minus minus 4. How much numbers are going to be made? 104? Yes, sir. 104 thi na bata. 97 4 gana thi na? 101, sir. 104 ये माइनस की चीज़ी चाकर इतने माइनस आ इतने माइनस आ ये प्लस 346 माँ 104 यार गणना बचना हाउ मच नंबर्स आर गोइंग टू बी लेफ्ट 22 चमार डाने ही भी ना सही 346 माँ 104 यार गणना बचना वेरी मच सिंपल मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम 4 2 2 2 2 This is the final result. It is very much clear that whenever you have the problems regarding the four operations, division, multiplication, addition, subtraction, you have to apply the rule of Demas. Mr. Demas is the mathematician who told regarding the operations they are going to be give you in any kind of the task, in any kind of the examination, you have to solve in very much simple subject units.